नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नीट एग्जाम रिजल्ट को लेकर जो बवाल जारी है, इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। दरअसल जिस छात्रा आयुषी पटेल की वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी और पूरा विपक्ष एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर सरकार को घेर रहा था, उस मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट से है, जहां पर लखनऊ की छात्रा आयुषी पटेल की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जिसमें आयुषी पटेल ने एनटीए पर आरोप लगाया था कि उसका नीट एग्जाम का रिजल्ट जारी ही नहीं किया गया है। आयुषी का आरोप था कि उसकी ओएमआर शीट को एनटीए द्वारा फटा हुआ बताया गया है। बकायदा आयुषी पटेल ने तो एक वीडियो जारी करके ये तमाम सबूत भी दिखाए थे। इसको लेकर आयुषी पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसकी याचिका पर सुनवाई हुई तो बड़ा खुलासा ये हुआ कि आयुषी पटेल के सभी आरोप जो हैं वो झूठे थे। कोर्ट में भी वो आरोप झूठे ही साबित हुए। आयुषी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एनटीए पर ये आरोप लगाए थे कि एनटीए ने उनका रिजल्ट जारी नहीं किया है। आरोप उन पर ये भी लगाया गया था कि एनटीए ने उनकी जो ओएमआर शीट मेल के जरिए उन्हें भेजी है वो पूरी तरीके से फटी हुई है, उनके 715 मार्क्स हैं। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से बताई गई थी, लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो यही छात्रा आयुषी पटेल पूरी तरीके से झूठी साबित हुई है। बकायदा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उन्होंने आयुषी पटेल की असली जो ओएमआर शीट है उस पर भी दरअसल कोर्ट के सामने वो रखी, जिसे आयुषी ने भी स्वीकार किया कि हां ये उनकी ही ओएमआर शीट है, ये उनकी ही आंसर शीट है। इस ओएमआर शीट के मुताबिक आयुषी के 720 में से 355 नंबर है। यानी कितना बड़ा ये फ्रॉड है, कितना बड़ा ये झूठ है, किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने इस फेक वीडियो को शेयर भी किया था, तो जाहिर तौर पर अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी निशाने पर आ चुकी हैं। तो वहीं सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या आयुषी पटेल से प्रियंका गांधी ने ये वीडियो बनवाया था, क्या प्रियंका पर केस दर्ज होना चाहिए, क्या देश में विपक्ष फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाता है। ये तमाम सवाल जो हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उठ रहे हैं, इस पूरे खुलासे के बाद उठ रहे हैं कि किस तरीके से एक छात्रा आयुषी पटेल जो कि नीट का एग्जाम देती है और जब वो एग्जाम देती है उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में वो एनटीए पर सीधे तौर पर धांधली का आरोप लगाती है और ये कहती है कि उनका जो रिजल्ट है वो नहीं आया है, उन्होंने एनटीए को मेल किया है, मेल के जरिए एनटीए से जो जवाब आया है वो फटी हुई ओएमआर शीट आई है और का रिजल्ट नहीं आ सकता है। ये तमाम आरोप बकायदा वीडियो जारी करके आयुषी पटेल ने लगाए थे, लेकिन अब जो खुलासा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एनटीए के जरिए किया गया है, कोर्ट ने इस पूरे दरअसल सुनवाई के बाद इस याचिका को खारिज करने के बाद एनटीए को सीधे तौर पर छूट देती है कि वो आयुषी पटेल के खिलाफ नियम के मुताबिक एक्शन ले। यानी एनटीए को खुली छूट है कि वो आयुषी पटेल पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि एनटीए को बदनाम करने की ये पूरी साजिश जो थी वो छात्रा आयुषी पटेल और उनके परिवार के जरिए रची गई। कोर्ट ने ये याचिका भी खारिज कर दी है। हालांकि आयुषी पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का भी मामला बन रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। दरअसल नीट एग्जाम जारी होने के बाद आयुषी पटेल ने यह दावा किया था कि उसका एग्जाम रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है, और
इसी पूरे मामले को लेकर ये पूरी सुनवाई हुई, लेकिन खबर तो ये भी है कि दरअसल आयुषी पटेल ने अब अपनी याचिका ही कोर्ट से वापस ले ली है। तो कुल मिलाकर ये कितना बड़ा फ्रॉड है ये साफ तौर पर इस खबर से ही स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से आयुषी पटेल एक वीडियो बनाती हैं एनटी के खिलाफ नीट एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर, और उसे प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ तमाम विपक्ष के नेता शेयर करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीर तो यहां तक देखने को मिली कि राजधानी दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने तो जगह जगह पर प्रोटेस्ट जो है वो नीट एग्जाम को रिजल्ट को लेकर किया है, सरकार को घेरा है, और कहीं ना कहीं सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही है, पारदर्शिता नहीं है। ये तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरीके से जो संस्थाएं हैं जो जाहिर तौर पर गवर्नमेंट एग्जाम कराती हैं उन्हें घेरा जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस सुनवाई का इंतजार था, जब वो सुनवाई हुई तो जहां से छात्रा आयुषी पटेल न्याय की मांग कर रही थी, अब वही खुद फंसती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आयुषी पटेल ने जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं, वो झूठे हैं, और इन्हीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो चाहती थी कि दरअसल उनका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए। यहां तक आयुषी पटेल ने झूठे आरोप लगाए कि 720 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम था और उसमें सिर्फ 715 मार्क्स उनके आने चाहिए। बकायदा ओएमआर शीट को लेकर फिर उन्होंने दावा किया कि इसमें जो मैंने सर्किल किया हुआ है, जो आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, दरअसल वो यही बताते हैं कि मेरे 715 मार्क्स ही बैठते हैं। लेकिन जो खुलासा एनटीए की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में डॉक्यूमेंट्स के जरिए किया गया है उसमें ये बताया है कि हमने कोई भी ओएमआर शीट आयुषी पटेल के साथ शेयर नहीं की, और जो असली डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबके सामने हैं कि 720 में से 355 नंबर आयुषी पटेल के बनते हैं, और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स से ही ये स्पष्ट हुआ कि किस तरीके से ये इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो मीडिया में आकर, वो सोशल मीडिया के जरिए आयुषी पटेल नाम की लखनऊ की एक छात्रा के जरिए किया गया है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी बीजेपी के निशाने पर आ गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी के तमाम नेता, यहां तक कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने बकायदा एक एक्स पर पोस्ट के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया है और पूछा है कि आयुषी पटेल के फैलाए गए फर्जी वीडियो पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या एक भी शब्द बोलेंगी, क्या नीट पर वो कुछ भी कहेंगी। ये सवाल उनकी तरफ से किया गया और पूछा गया कि हाईकोर्ट ने आयुषी पटेल और उनकी जालसाजी को खारिज कर दिया, और उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने कोविड वैक्सीन की खोज की है, आयुषी पटेल यहां तक दावा कर चुकी है, लेकिन इससे प्रियंका और पूरी कांग्रेस को उनकी फर्जी बातें साझा करने से नहीं रोका गया। लेकिन अब इन लोगों के खिलाफ केस बनता है, झूठ फैलाने के मामले में इन पर केस दर्ज होना चाहिए, ये मांग अब बीजेपी भी कर रही है। यहाँ तक कि आईटी सेल प्रमुख बीजेपी के अमित मालवीय की तरफ से भी पोस्ट किया गया है, उन्होंने भी प्रियंका गांधी को घेरते हुए लिखा कि प्रियंका वाड्रा ने इस फर्जी वीडियो को दरअसल ट्वीट किया, आयुषी पटेल पर नीच में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, थर्ड टाइम फेल, राहुल गांधी की तरह बहन भी फर्जीवाड़ा करती हैं, यही चीज उन्हें गांधीवादी बनाती है जो वो हैं। तो इस तरीके से अब पूरा विपक्ष जो है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पर है, और जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है, क्योंकि नीट का एग्जाम जिसकी तैयारी छात्र कई सालों तक करते हैं, लेकिन उसको भी किस तरीके से उसमें भी राजनीति कहीं ना कहीं जो है की जा रही है, उसमें इस तरीके से साजिशन जो है वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि एनटीए पर आरोप लगाए जाएं, ताकि सरकार को घेरा जाए, और उसमें जो छात्रों का इस्तेमाल हो रहा है वो अपने आप में गंभीर मामला है, और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार आम जनता में भी चर्चा हो रही है।
कि किस तरीके से एक छात्रा जिसने पूरे मनगढ़ंत तरीके से ये पूरी वीडियो तैयार की, लेकिन क्या ये वीडियो प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर बनाई गई थी, यह बड़ा सवाल उठ रहा है। और क्या आयुषी जो पटेल है, जो छात्रा है जिसने नीट का एग्जाम दिया था, क्या उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज होगी, क्या उन पर कोई एक्शन होगा? क्योंकि ये पूरा मामला धोखाधड़ी का बनता है। ये पूरा मामला जाहिर तौर पर जिस तरीके से गुमराह किया गया है तमाम छात्रों को, उन छात्रों के पेरेंट्स को जो छात्रों के साथ ही इतनी ज्यादा मेहनत वो भी करते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं इस तरीके से एक साजिशन तरीके से की गई है। तो ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर है, लेकिन देखना होगा कि क्या आयुषी पटेल पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।